हेलो फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा शर्मा और मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सब्जी। तो चलिए हम बनाते हैं बेबी कॉर्न की सब्जी। ये मैंने 250 ग्राम बेबी कॉर्न लिए हैं। ये मैंने अच्छे से वॉश किए हैं और कुछ लंबे टुकड़ों में कट किए हैं और कुछ गोल टुकड़ों में। ये मैंने 10 से 15 काजू लिए हैं। 2 से 3 हरी मिर्ची कट की है, 2 टमाटर कट किए हैं और 2 प्याज कट किए हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और मैं इसमें डालूंगी रिफाइंड ऑयल। तो मैंने इसमें 2 चम्मच ऑयल डाला है। तो ऑयल को हम गरम होने देते हैं। ऑयल गरम हो गया है तो अभी मैं इसमें डालूंगी जीरा। जीरा हमारा गरम हो गया है तो अभी मैं इसमें डालूंगी ऑनियन। ऑनियन को हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता है। ऑनियन हमारे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं तो अब मैं डाल दूंगी हरी मिर्ची और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम पर रखनी है। ये अच्छे से फ्राई हो गया है तो अभी मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर और इन्हें भी अच्छे से हम फ्राई करेंगे और इन्हें सॉफ्ट होने देंगे। ये थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं तो मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी पाउडर आधी चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 2 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी काजू की प्योरी जो मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर ली थी। इससे सब्जी में रिच फ्लेवर आता है और सब्जी बहुत ही टेस्टी बन जाती है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो गया है तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे बेबी कॉर्न। और अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा पानी। और हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर कुक करेंगे। अभी हम सब्जी को चेक करेंगे। सब्जी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है और अभी हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। तो ये घर की बनी हुई फ्रेश क्रीम है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गई है और अभी हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच गरम मसाला ऐड किया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी अच्छे से मिक्स हो गई है तो मैं इसमें रिच लुक देने के लिए बटर डालूंगी। ये करीब 20 ग्राम बटर है। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। और अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम ऐड करेंगे हरा धनिया। इससे सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी सी सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है और अभी हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे बाउल में। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और अभी हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे सब्जी। अभी मैं इसे गार्निश करूँगी थोड़े बटर से। तो मैं इसके ऊपर बटर रख दूँगी।